साल रेलवे देश को एक नया तोहफा देने जा रहा है, जब भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर उतरने जा रही है। ये जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सोनीपत, लातूर और रायबरेली में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी और इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। पहले ये कालका, शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका विस्तार अन्य स्थानों पर किया जाएगा। ये जानना भी जरूरी है कि भारत से पहले चीन और जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की सेवा शुरू हो चुकी है। जर्मनी में साल 2018 से हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग चल रही थी। इस बजट में सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल आधारित 35 ट्रेन, साइड एंट्री के साथ 4500 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल वाहक कोच, 5000 LHB कोच और 58000 वैगन के निर्माण का प्रस्ताव भी दिया है।